आज के लेक्चर में हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बजट 2018-19 में एक बार फिर से लगाया गया उसी पर बात करेंगे। LTCG जिसको आप कहते हैं लंबी अवधि का पूंजीगत कर। इस टैक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं GFBT ग्रैंड फादरिंग बेनिफिट टैक्स। ये टैक्स लंबी अवधि का पूंजीगत कर है। ये भारत में 2004 से पहले अस्तित्व में था, 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक दूसरा कर लगाया गया जिसको कहा गया STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स। 1 अप्रैल 2018 से एक बार फिर से LTCG को इन्फोर्समेंट में लाया गया। हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि लंबी अवधि का पूंजीगत कर क्या होता है और इस कर का जो दो और कर हैं, इसमें एक कर है FBT जिसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। और दूसरा इसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इन दोनों करों से इस LTCG का क्या संबंध है हम ये भी जानने की इसमें कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पूंजीगत कर क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल गेन क्या होता है। तो आप बात करें व्हाट इज कैपिटल और देन इसमें हम जोड़ दें गेन, तो बन जाएगा आपका कैपिटल गेन। तो देखिए कैपिटल का आशय एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहें कि व्यक्ति किस प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करेगा, एक निवेशक की हैसियत से अगर आप देखें तो वह सोचता है कि वो ऐसी जगह निवेश करे जहां पर उसको कम जोखिम मिले और दूसरा चीज कि उसकी जो निवेशित धनराशि है वो सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशंस से कैपिटल गेन मिलता है। कभी सिक्योरिटी ज्यादा होगी तो जोखिम कम हो जाएगा, कभी जोखिम ज्यादा होगा तो सिक्योरिटी की सुरक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। तो जहां तक कैपिटल गेन की बात है तो कैपिटल अगर आप देखें तो जैसे आपने शेयर्स, ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है डिवेंचर, आपने किसी कंपनी को ऋण पत्र के रूप में उधार दिया, कोई आपने भूमि खरीदी, मकान के रूप में खरीदा या दुकान के रूप में खरीदा
ये रियल इस्टेट के रूप में खरीदा, ये सब कैपिटल के प्रारूप हैं। और इसमें लोग निवेश करते हैं जिससे उनको निवेशित करने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि शेयर्स की वैल्यू वर्षोपरांत बढ़ती रहती है, ये घट भी सकती है। उसी तरह की डिवेंचर्स में थोड़ा सा प्रोविजन अलग होता है, लेकिन आप लैंड के केस में देखें तो भूमि के दाम हमेशा बढ़ते ही हैं। तो जो पूंजीगत लाभ होगा, गत वर्ष में जो भूमि का टुकड़ा खरीदा गया, उससे अगले वर्ष और उससे अगले वर्ष उस भूमि के टुकड़े का मूल्य जो वृद्धि हुई, उस पर जो कर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा। अब देखिए, कैपिटल में जो दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जहां समय अवधि लेस देन वन ईयर है। दूसरा कैपिटल गेन, इसको आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहां समयावधि लेस देन वन ईयर है। एलटीसीजी में हम उसी पूंजीगत लाभ को कवर करेंगे जिसकी समयावधि एक वर्ष से अधिक की होगी। और इसे क्यों ग्रैंडफादरिंग बेनिफिट टैक्स कहा जाता है और इसका क्या प्रभाव एफबीटी पे पड़ेगा, ईशॉप पे पड़ेगा, इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम एलटीसीजी को एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। ये मान लीजिए एक निवेशक है, मिस्टर इन्वेस्टर, और इन्होंने पूंजी पर प्रतिफल की आशा में अपनी एक निवेश की योजना बनाई और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में निवेश किया 1 जनवरी 2016 को। इन्होंने जो शेयर्स खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उस शेयर का मान लीजिए 1000 शेयर्स खरीदे जिसका मूल्य 500 रुपीज था, तो ये जो अमाउंट आया ये आया 5 लाख। इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की वैल्यू अगर हम फर्स्ट जनवरी 2016 से लेकर 31st 2016 को करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं ये, इसके शेयर्स की वैल्यू, शेयर की क्वांटिटी वही है 1000 और इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 1000। तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ ये कैपिटल गेन की तरफ इशारा कर रहा है, शेयर्स की वैल्यूज बढ़ गई है, 500 की बजाय 1000 हो गया। यहां अगर आप देखें तो ये जो टोटल वैल्यू है वो 5 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गया। अब हम इसकी तुलना एक अगले नेक्स्ट लेवल पे करें जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस शेयर की वैल्यू 2018 जुलाई 2018 की शेयर्स की वैल्यू हो गई
1000 और ये हो गया 2000, तो जो टोटल वैल्यू निकल के आया वो आया आपका 20 लाख। अब आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल गेन की बात है वो देखिए 5 लाख था, यहां 10 लाख हुआ, 20 लाख हुआ। जब हम LTCG अगर ड्रॉ करना चाहें तो सवाल ये उठता है कि किस कैपिटल गेन को कंसीडर किया जाएगा। 20 लाख इज द हाईएस्ट वैल्यू, इसको माइनस करेंगे 5 लाख से जो जहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये आएगा आपका 15 लाख, या 20 लाख माइनस जो हाईएस्ट वैल्यू है 2018 से पहले माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। सवाल यह है कि LTCG इस अमाउंट पे दिया जाएगा या इस अमाउंट पे लगाया जाएगा। बजट 2018-19 में ये मेंशन किया गया कि जो 31st जनवरी 2018 जो मैक्सिमम वैल्यू होगी शेयर्स की, उस पर यू हैव टू पे LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 31st जनवरी 2018, तो जो आपका LTCG वो इस अमाउंट पे देना होगा, ये कहलाएगा आपका कैपिटल गेन। LTCG के लगाने से क्या रिलेशन है, हमने जो दूसरे टैक्स की बात की, FBT की बात की और ईशॉप की बात की, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। अब ये देखें कि LTCG और FBT और में क्या संबंध है और इससे इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो टैक्सेशन सिस्टम है। तो आप देखें कि FBT क्या होता है, इसको आप बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। दो सेक्शन है इकोनॉमी में, एक है आपका एम्प्लॉयर, और दूसरा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हायर करता है और उसको सैलरी देता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी देना चाहता है तो एम्प्लॉयज को हैव टू पे मोर टैक्स, मोर सैलरी दैट मींस मोर टैक्स। तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना चाहता है उसका उतना बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा। तो एक वैकल्पिक रास्ता क्या होगा, वैकल्पिक रास्ता होगा फ्रिंज बेनिफिट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को FBT देगा, FBT का मतलब है हेल्थ क्लब की मेंबरशिप, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री पास फॉर टूरिज्म, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एटसेट्रा। ये जो बेनिफिट्स आएंगे दिस कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर ने बिना एम्प्लॉई की सैलरी हाइक किए हुए FBT के माध्यम से वो सारे बेनिफिट्स दे दिए, और जो बेनिफिट्स इनकम टैक्स के दायरे से बचा लिए गए।
लेकिन 2005-06 में उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसीलिए एफबीटी पे भी टैक्स लगाया, हालांकि बाद में एफबीटी को समाप्त कर दिया गया, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट को भी करके दायरे में लाया गया। अब इसी फ्रिंज बेनिफिट में आता है कि कई बार कंपनियां अपने एम्प्लॉयर्स को ई शॉप देती हैं। ये ई शॉप क्या है? ई शॉप को बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को उस कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दे, उस कंपनी में हिस्सेदारी दे दे शेयर्स, तो उसे क्या फायदा होगा कि वो एम्प्लॉय अब ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा, ज्यादा ट्रस्ट के साथ वो स्विच ओवर नहीं करेगा, और इस तरीके से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में टैक्स को बचाने की कवायद की जाती है। अब एलटीसीजे के आ जाने के बाद एफबीटी तो पहले ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि कुछ नए टैक्सेस आ गए। अब आप देखें कि ईशॉप जैसे प्रोविजंस पे भी टैक्स लगा दिया जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का प्रोविजन है कि जो भी लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन आप कर रहे हैं हैव टू पे टैक्सेस। तो जो 1 अप्रैल 2018 से जो टैक्स का प्रोविजन शुरू होगा उससे आप ये देखेंगे कि ईशॉप जैसे मामलों में भी कमी आएगी और गवर्नमेंट कुछ नए लोगों को इसके माध्यम से कर की प्राप्ति करेगी। इस लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एफबीटी और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जिसको जीएफबीटी भी कहते हैं और ई शॉप पर बात की। आगे के लेक्चर में हम एक और नई टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर बात करेंगे और उस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर खास तौर से हम ये देखेंगे कि कैसे जीएसटी तक की यात्रा एक बिक्री कर से जिसकी शुरुआत हुई पैट के रूप में और कैसे जीएसटी के रूप में कन्वर्ट हुई और उस पहलू को हम देखेंगे ताकि विद्यार्थी जो केवल जीएसटी को पढ़ते हैं वो ये जान सकें कि कैसे भारत के टैक्स सिस्टम में बिक्री कर का स्थान इस कर ने लिया, इस कर की क्या आवश्यकता थी।